दोस्तों, अगर आप भी 5,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का लोन लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप 100% लोन ले पाओगे और वो भी बिना पैन कार्ड की मदद से। सिर्फ आप आधार कार्ड की मदद से लोन ले पाओगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कर देना है प्ले स्टोर पर आके सर्च नीरा। जैसे आप नीरा सर्च करेंगे, आपके सामने जो सबसे फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे अप टू आप 1,00,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, वो भी 24 आवर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे सामने प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, बट आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 100% ट्रस्टेड ऐप है और मैं आप लोगों को बता दूँ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको कर देना है, हम थोड़ी सी इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि कैसे हमको इसमें लोन मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे आएंगे, तो मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फॉर सपोज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो लोन अमाउंट रहेगा वो 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आसानी से हम इसमें ले पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपको ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा बनाते रहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंटरेस्ट वगैरह, आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर सारी लोन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बताई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप एग्जांपल के तौर पे जो लोन अमाउंट है वो 14,999 आप कुछ इतना लेते हैं तो आपको 36% इंटरेस्ट के साथ आप GST वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके तरफ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको कर देना है इस एप्लीकेशन को ओपन। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करते ही आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप हिंदी में यूज़ करना चाहें हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से हम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके का शो हो जाएगा और EMI वगैरह सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करेंगे, देन अप्लाई नाउ में हमको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक करके जस्ट आपको ओके और आई अंडरस्टैंड में क्लिक करके कुछ परमिशन दे देनी है और इसे अलाउ कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ध्यान रहे आपका वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालें जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड में क्लिक कर देना है OTP डालकर। इसके बाद आपको सेलेक्ट कर देना है, अगर आप सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेयर डू यू रिसीव टुडे, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सिंपली। और कुछ इस तरीके की थोड़ी मोटी डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी आ जाएगा। और आपका यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर अपना जेंडर और बाकी सारी डिटेल यहाँ पर भर देंगे। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और लोन पर्पस भी आप सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिमिट है वो 1,00,000 रुपये तक की मुझे दी गई है कि मैं 1,00,000 रुपये तक की जो लिमिट है, मतलब कि उतना लिमिट का लोन ले सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और लाइफ प्रूफ आप देख चुके होंगे, यहाँ पर अपने को करंट कंपनी नेम डालना है, योर डेस्टिनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल के देन आपको प्रोसीड में क्लिक करना है और आपको एक लिंक सेंड करी जाएगी, उस लिंक को सिंपली आपको ओपन कर लेना है। और नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी सिंपली और काफ़ी इजी प्रोसेस इसमें बताई गई है लोन लेने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट आपको क्या करना है, आपको जस्ट वेरिफिकेशन करना है, तो आपको अपनी सेल्फी अपलोड कर देनी है, पैन कार्ड और करंट एड्रेस, ये सारे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। अभी मैं आपको लोन लेकर भी बताऊंगा 100% जितने का मुझे चाहिए। जैसा कि मैं 1,00,000 के लिए एलिजिबल हूं उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लगभग सारी प्रोसेस डन हो गई है। यहाँ पर हमें एक एग्रीमेंट करना होगा, तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट में हम क्लिक करेंगे। देन सिविल स्कोर आप देख सकते हैं, आपका जो सिविल स्कोर होगा वो निकल के आ जाएगा और ये लोन जो रहेगा वो पूरा तरीके से सिविल स्कोर पर ही बेस्ड रहेगा। यहाँ पर कंटिन्यू विथ लोन एप्लीकेशन में क्लिक करके प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे और रेफरेंस पर्सन नेम, कोई भी आपका गारंटर होगा, कोई भी आपके फ्रेंड घर में कोई भी फैमिली मेम्बर होगा उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस है। देन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये सारी डिटेल ऐड कर दूंगा। देन हमें जिस बैंक अकाउंट में लोन लेना है इंस्टेंट आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर
आपको ऐड फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और पेमेंट स्लिप जो रहेगी वो आपको डाल देना है। देन आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड फाइल में आपको क्लिक करके उस पेमेंट स्लिप को डाल के सबमिट कर देना है। अब देख सकते हैं कि आप जो मैंने कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं कि लोन लिया है 15,000 का और इंटरेस्ट वगैरह आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। तो किस तरीके का आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं प्रोसीड में क्लिक करूँगा मेरा लोन 100% मेरे अकाउंट में आ जाएगा।